बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हम कैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरसेस हैं या जो वर्म्स वगैरह हैं जो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरियल कॉजेज़ की बात करें तो दो मेन बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं, एक आपके पास माइकोप्लाज्मा हीमोफेलिस और दूसरा आपके पास जो मेनली इसको अफेक्ट करता है क्लाइमेडिया सेटिका। बेसिकली इसमें पायोग्रेनुलोमेटस साइनोसाइटिस होता है इन दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, दैट इज़ प्रोमोटेड बाई राइनाइटिस एंड ओबवियसली स्नीजिंग एंड रोमन नोज। और हम अगर वायरल डिजीज़ की बात करें तो वायरल डिजीज में दो कॉमन है, दैट इज़ हर्पीज वायरस, दैट इज़ फ्लाइंग राइनोट्रेकियाइटिस। और ये कहा जाता है कि कैट्स में ऑलमोस्ट 40% जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है फ्लाइंग राइनोट्रेकियाइटिस के थ्रू, यानी फ्लाइंग हर्पीज के थ्रू होती हैं। सेकेंडली हम एक मेजर वायरस के बारे में बात करें, दैट इज़ फ्लाइंग कैल्सी। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनेसिस की फॉर्म है, लेकिन इसकी मेजर फॉर्म जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है, जीआईटी ट्रैक को अफेक्ट करती है, जिसमें आपके पास फॉलोड बाई ओरल लियंस होती हैं और ओरल म्यूकोजा, और आपके पास जो नोज वाला एरिया होता है वो बेसिकली हाइपरीमिक होता है ड्यू टू द पैथोजेनेसिस एंड द लाइसिस बाय द वायरसेस एंड देयर फैगोसाइटोसिस। फिर हम थर्ड टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ वर्म्स। फॉर एग्जांपल आपके पास राउंड वर्म भी हो सकते हैं, इसमें हम फ्लूक वर्म्स की बात कर सकते हैं। फ्लूक वर्म में आपके पास जो कैट्स को अफेक्ट करता है दैट इज़ एलोरोस्ट्रोंगाइलस एब्स्ट्रेटस। सेकेंडली हम अगर राउंड वर्म की बात करें तो कैपिलेरिया अफेक्ट कर सकता है, और हमारे पास पैरागोनिमस, क्योंकि बिकॉज दे आर कार्निवोर्स तो इनकी पैथोजेनेसिस जो है वो पैरागोनिमस वेस्टर्मनाई वर्म के थ्रू भी हो सकती है। सो इनका बेसिक ट्रीटमेंट है, आपके पास अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने अच्छी एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप ब्रॉडस्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आपने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है, और बिकॉज आपके पास स्ट्रे कैट्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं तो आपने पहले उनकी वैक्सीनेशन का स्टेटस भी मालूम करना होता है, फॉलोड बाय द रेबीज़ वैक्सीन, और आपने फिर बायोफेल पीसीएच मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट वैक्सीन जो है वो इनको करना होता है। फिर सेकेंडली जब हम वर्म्स की बात करते हैं तो इसमें हम डायग्नोस्टिक के लिए बेसमेंट टेक्निक लगाते हैं, उसके थ्रू हम वर्म्स वगैरह की इन्फेस्टेशन को चेक करते हैं, उनका लोड चेक करते हैं, एग्स पर ग्राम अकाउंट करते हैं। उसके बाद बेसिकली जो हमने इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, हम इनको डीवर्मर देते हैं, जो कैट्स के लिए बेस्ट डीवर्मर दैट इज़ ड्रॉन्टल। सो दैट्स फॉर इट। सो थैंक यू सो मच।